सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल, बेल आइकन दबाइए और पाइए सबसे पहले खबरें। नमस्कार, मैं अंकित गोस्वामी वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत करता हूं। काबा मुसलमानों का सबसे धार्मिक स्थल है। कुरान में ये बताया गया है कि हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा जरूर करनी चाहिए और मक्का में ही स्थित है काबा। आपको बता दें कि हर रोज हजारों लोग काबा की परिक्रमा करते हैं, लाखों घरों में काबा की तस्वीरें दीवारों को रोशन करती हैं। इस वीडियो में हम आपको काबा के बारे में ऐसी 10 बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। क्या आपको पता है कि काबा को खुदा के हुक्म पर बनाया गया था? जी हाँ, खुदा ने हजरत इब्राहिम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी थी और उन्होंने बिना हिचके कुर्बानी दे दी थी। हालांकि खुदा ने उनके बेटे को जानवर में बदल दिया था, इसलिए उनके बेटे की कुर्बानी नहीं हुई। खुदा ने इब्राहिम और इस्माइल को अपना पैगंबर बना लिया और उनसे अपने लिए एक घर भी बनवाया। कुरान में ये भी बताया गया है कि बिल्कुल इस जैसा ही काबा जन्नत में भी है, जहां हर दिन 70,000 फरिश्ते उसकी परिक्रमा करते हैं। आपको बता दें कि काबा का निर्माण कई बार हो चुका है। काबा जैसे हमें दिखता है हमेशा से ऐसा नहीं था। कई प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं को झेलने के बाद इसको निर्माण की आवश्यकता पड़ती रही। आखिरी बार 1996 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। वहीं उम्मीद की जाती है कि आधुनिक तकनीकों से लैस होने के बाद कई सदियों तक इसको कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आपको पता है कि पहले काबा में 2 दरवाजे और 1 खिड़की थी? जी हाँ, सबसे पहले काबा में 1 दरवाजा अंदर आने के लिए और 1 दरवाजा बाहर निकलने के लिए था। काफी समय तक यहाँ 1 खिड़की भी रही, लेकिन आज की तारीख में काबा में केवल 1 दरवाजा है और कोई भी खिड़की नहीं है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि एक वक्त काबा रंगीन था। जी हाँ, आज काबा की पहचान बने काले रंग की जगह कभी हरे, लाल और सफेद रंगों ने ले रखी थी। आज तो काले रंग पर सुनहरी पट्टी के बिना इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, पर पहले ये रंगीन था। इसके साथ ही घाटी के निचले हिस्से में स्थित होने के कारण काबा में बारिश के वक्त अक्सर पानी भर जाया जाता था, लेकिन इसका श्रद्धालुओं पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तैरकर काबा की परिक्रमा करते थे। बाद में आसपास की जगह में कुछ बदलाव करके ऐसी स्थितियों पर काबू पा लिया गया और गहरी आस्था का वो दृश्य दोबारा देख पाना मुश्किल हो गया। इसके साथ ही शुरुआत में काबा का आकार समकोण तय किया गया था, लेकिन उसके निर्माण में लगाई जाने वाली राशि केवल पवित्र स्रोतों से आ सकती थी। गलत कामों से अर्जित धन का इस्तेमाल करना मना कर दिया गया था, जिसके बाद आकार को छोटा कर क्यूब बनाना पड़ा। वहीं क्या आपको पता है कि वहां पर काला पत्थर टूटा हुआ है? जी हाँ, कई लोगों का मानना है कि काबा का काला पत्थर एक इस्माइली समूह द्वारा चुरा लिया गया था और जब उनसे वो वापस हासिल किया गया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वहीं कहते हैं कि आज भी कुछ हिस्से पाए नहीं जा सके हैं। काबा की चाबियां बनी शैबा परिवार के पास रहती हैं। जी हाँ, इनके इजाजत के बिना कोई भी काबा के अंदर नहीं जा सकता। चाहे कोई कितनी बड़ी हस्ती ही क्यों ना हो, काबा में दाखिल होने के लिए इनसे इजाजत लेनी होती है। आपको बता दें कि काबा के इतिहास में छिपी है कई गौरवपूर्ण बातें जो कई सीखें भी हैं। इसका इतिहास केवल एक कहानी नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को जोड़ने वाली कड़ी का सुनहरा अध्याय है। तो ये थी काबा से जुड़ी 10 अनसुनी बातें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और खबरों के लिए लॉगिन करिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।